बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के अंदर तीसरा पुल ढह गया है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। इससे पहले अररिया और सीवान में भी पुल गिर चुके हैं। ये एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए के करीब थी। आइए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल इस बार ये घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के पास हुई है। यहाँ 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा था। पुल की ढलाई का काम हो रहा था। इस पुल की लंबाई लगभग 50 फीट थी। आपको बता दें कि बिहार के सीवान में कल ही पुल गिरने की घटना हुई थी। यहाँ महाराजगंज दरौंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया था। लोगों का मानना है कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया। ये हैरान करने वाली बात है, इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र के पटेड़ी गरौली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। 24 घंटे पहले बराबर पानी में समाता ये पुल प्रशासन की नाकामी का एक और सबूत था। बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज इलाके में उस वक्त अफसरों की नींद टूटी जब पुल के टूटने की वीडियो वायरल हो गई। इससे पहले बिहार के अररिया जिले के बकरा नदी पर पड़रिया घाट पर बन रहा पुल भी गिर गया था। 12 करोड़ की लागत से निर्मित इस पुल का अप्रोच बनाना बाकी था और अफसर उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फीता कटता उससे पहले ही पुल पानी में समा गया। अब सवाल उठता है कि बिहार में पुल पके हुए आम की तरह जमीन पर क्यों गिर जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 10 पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। जनता के टैक्स के अरबों रुपए पानी में बह गए। हर हादसे के बाद बिहार सरकार जांच की बात करती है, जांच बैठाया भी जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता दिखता। पुराने हादसे पर एक्शन से पहले ही कोई नई घटना घट जाती है। लोगों का आरोप है कि इन घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जबकि सरकारी खजाने से पूरा पैसा लिया जाता है। जाहिर है इसमें अफसरों की मिलीभगत होती है। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।